सम्राट, मैं पत्र लिखा तुम्हारी बीवी, तुम्हें मैं याद हूँ ना या फिर तुम भूल गए? तुम, मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। तुम्हारे लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं है, या फिर तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो। मैंने तुम्हारी इंसल्ट कब की पत्र लिखा? तुमने मेरी इंसल्ट नहीं की? सीरियसली सम्राट, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा रिश्ता, हम दोनों का रिश्ता इस बात पर डिपेंड करता है कि सई इस घर में रहती है या नहीं? क्या तुम सच में ये कहना चाहते हो? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? पत्र लिखा, क्या तुम इस बात को झुठला सकती हो? इस घर में हम दोनों ने जितना वक्त गुजारा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सई मुझे इस घर में वापस लेके आए। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकती हो? नहीं सम्राट, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूँ, सई के घर छोड़ने की वजह पत्र लिखा नहीं है, तो उस पर उंगलियां उठाना बंद करो तुम। और अगर देवी जी का खुद यहाँ रुकने का मन नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा था उसको घर छोड़कर जाने के लिए? नहीं ना, मतलब कोई अपने मन से अगर घर छोड़कर जाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? विराट ने उसको कमरे में बंद भी किया था, उसमें भी सबको आपत्ति, तकलीफ, प्रॉब्लम हो रही थी। माँ, आप सबको सही के जाने का कोई अफसोस ही नहीं है। लेकिन आप सब मुझे बता सकते हैं कि क्या सई ने कभी भी इस घर में कोई खुशियां नहीं लाई है? खुशी? क्या उसने कभी भी किसी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया है? और तू विराट, तुझे सई के बारे में यह सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता है? तू अपने और सई के बीच की दूरियां कम क्यों नहीं कर पाया? तू उसके साथ खुश क्यों नहीं था विराट? जीवा प्लीज, मुझसे इस सवाल मत पूछ, मत पूछ, कुछ भी मत पूछ। जो होना था वो हो चुका है, सई जा चुकी है, तो हम दोनों के बीच की दूरियां खत्म होना तो दूर की बात है। और सच कहूं तो अब मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूं। क्यों शिवा, तुझे इस बात की खुशी है कि आखिर सई तेरी जिंदगी से चली गई? तेरी इस खुशी की वजह क्या है विराट? कहीं इसकी वजह पत्र लिखा तो नहीं? चुप क्यों है? जवाब दे। कह दे कि यही सच है ना? इस मुद्दे पर तो सबके सामने पहले भी डिस्कशन हो चुका है, तो इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है विराट। और आज तो सही भी नहीं है जिसे सच सुनकर कुछ बुरा लगेगा, कि सही तो चाहती थी कि मैं और पत्र लेखा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। लेकिन तू क्या चाहता था विराट? कहीं तू ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा है क्योंकि तू अभी भी पत्र लेखा को भूल नहीं पाया? बस बस सम्राट, बस। क्या कर रहा है यार जीवा? कम से कम तू तो मुझे गलत मत समझ। पूरे परिवार के सामने मैं बता चुका हूं कि पाखी और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। सिर्फ दोस्त हूं यार इसका, सिर्फ दोस्त। मुझे बहुत लोगों ने बहुत
बहुत तरीकों से गलत समझा है। और तू यार, और सही के लिए मेरी जो फीलिंग्स है ना, वो कोई नहीं समझता, सही खुद भी नहीं। क्या कर रहा था विराट तू? ये सही तेरी फीलिंग समझ नहीं पाई, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तू कभी भी सही को अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाया? सम्राट प्लीज, इस बारे में वाकई बात नहीं करना चाहता, मुझसे ये लिया नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता विराट, अगर तू आज यहाँ से चला गया तो लोग समझेंगे कि विराट प्रॉब्लम का सामना करने के बजाय यहाँ से डर के भाग गया है। जिसे जो सोचना है सोचने दे, जिसे जो बोलना है बोलने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहता क्या तू? क्या करूं, खुदकुशी कर लूं मैं? विराट प्लीज, इसी बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। करने की बजाय जाओ सही के पास और जाके अपने दिल की बात उसे बता दो। आज इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। नहीं, सही को मेरी जरूरत नहीं है और ना वो चाहती है कि मैं उसके आसपास भी दिखूं, ना वो मुझे पहले पसंद करती थी, ना वो अब पसंद करती है, और वक्त के साथ मैं भी अपनी उम्मीद खो चुका हूं। हाय, उसे महाबलेश्वर लेकर गया था और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सही वाकई में अच्छा वक्त बिताए। मैंने उसके लिए क्या कुछ प्लान नहीं किया था, और फाइनली जब मैंने उसे सरप्राइज दिया, उसने मेरे साथ इतना अजीब बर्ताव किया कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यार जीवम, मेरी ऐसी बेइज्जती हुई है ना कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता हूं। उसने ना सिर्फ मेरा सरप्राइज बर्बाद किया, उसने यहां तक कह दिया कि मैं उसे झूठ बोलकर वहां लेकर गया। मेरे जज्बात से ज्यादा उसे इन फिजूल बातों की परवाह थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा उसे क्यों लेकर गया था यार। और ये सब मैं आप सबको आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सबको समझ आए मेरी जो कड़वाहट है, मेरा रूखापन है, मेरा गुस्सा जो मेरी जो दुख है, उसका कारण क्या है, सब कहां से आ रहा है। फिर भी आप सबको भरोसा ना हो ना, तुझे अपने शिवा पर भरोसा ना हो ना, तो मोहित और सनी गवाह है, पूछ ले। अब तो चुप क्यों है? मेरे लिए एक शब्द नहीं निकल रहा तेरे मुंह से, और सही की तारीफ में हजारों बातें बोल देता है तो। वैसे तो तेरा बचपन का दोस्त हूं मैं, साथ में बड़े हुए हम, या तुझे भी यही लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है? बिल्कुल नहीं मेरे यार, मैं नहीं कह रहा कि जो कुछ हो रहा है उसमें तेरी गलती है, या जो कुछ भी हो रहा है वो किसी एक की वजह से हो रहा है। इस सब का कारण है बहुत सारी गलतफहमियां, बेकार और बेवजह के ईगो क्लैश। ईगो और गलतफहमियां दो तरफा रास्ता होता है। ये सब सिर्फ मेरी गलती नहीं है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। सच कहूं तो ना, अब मुझे इस बारे में खुल के बात करने का मन ही नहीं करता। सही हमेशा से ये कहती आ रही है कि वो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी। जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, हम सबको छोड़कर चली जाएगी वो। अगर वो दिन आज है तो आज ही सही।